देखो ये हमारा टू स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ठीक जी। इसमें क्या है, इस इंजन में ये किस तरीके से काम करता है, इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब हमारे सिलेंडर हेड में आता है, ठीक है, सिलेंडर हेड में किसी के थ्रू आता है, किस कार्बोरेटर के थ्रू, ठीक है। तो जब ये सिलेंडर हेड में आएगा तो सिलेंडर हेड में पहला जो स्ट्रोक होगा वो कौन सा होगा, हमारा इनटेक। इनटेक स्ट्रोक जैसे ही होगा वैसे ही हमारा स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्किंग करके और इस फ्यूल को वर्न कराएगा, बस समझ में। जैसे ही हमारा फ्यूल वर्न होगा वैसे ही इसमें लगी हुई ये जो पिस्टन है, ठीक, इसमें लगी हुई पिस्टन, यहाँ से वीडियो लो पास में आकर के जिस चीज़ को हम बताएंगे वहाँ पे ले जाना, ठीक। यहाँ पे जो लगी हुई पिस्टन है इसमें पीछे की ओर फोर्स लगेगा, ये पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। जब ये पिस्टन हमारी पीछे की तरफ जाएगी, देखो ये क्रैंकशाफ्ट घुमाने पे आ रही पीछे की तरफ, ठीक है। तो जब ये पीछे की तरफ पिस्टन हमारी जाएगी, क्रैंकशाफ्ट क्या करेगी, इसको लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक। तो फिर यहाँ पे हमें इंजन की मेन पावर प्राप्त हो जाएगी, कहाँ पे, क्रैंकशाफ्ट के थ्रू। तो ये मेन पावर हमारी किससे कनेक्टेड रहेगी, क्लच गियर से, ठीक है। मेन पावर हमारी क्लच गियर से कनेक्ट रहेगी, जिससे हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा मान लो इंजन अगर चालू हो गया तो हम गियर जब तक नहीं डालते तब तक नहीं चलता है ना, लेकिन जब तक हम क्लच दबाए रहेंगे तब तक वो पावर हमारी क्लच गियर से मेन गियर बॉक्स में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा गियर बॉक्स है, तो जब हमारा क्लच गियर, ठीक है, ये देखो ये हमारा क्लच है, ठीक, इसमें ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें दो तरीके की स्प्रिंग लगी रहती है, ये देखो ये हमारी प्रेशर है, प्रेशर रिंग, ठीक है, और फ्रिक्शन रिंग इसमें लगी रहती है। इनको अच्छे से एडजस्ट किया जाता है, ताकि इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, जब हम इसको इस तरीके से दबाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब दबाएंगे तो जैसे ही हम दबाएंगे तो ऐसे ही ये हमारा क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा गियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाला हमारा फ्री हो जाएगा। तो ये इधर जो आगे की तरफ मोशन जो होगी हमारी, ठीक है, जो टॉर्क होगा, टॉर्क जो हमें इंजन से प्राप्त हो रहा है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फिर जब यहाँ से हमें जो ताकत मिलेगी क्लच जब हम रिलीज करेंगे, ठीक है, जब हम क्लच रिलीज करेंगे तो क्लच से जो हमारा गियर कनेक्ट रहेगा, ठीक, जो गियर कनेक्ट रहेगा वो इस शाफ्ट में भेजेगा, ठीक है, यहाँ पे गियर की मेन शाफ्ट में भेजेगा। फिर इसमें ये जो डॉग क्लच लगी हुई है, जब हम गियर डालेंगे डॉग क्लच क्या करेगी, हमारी गियर से कनेक्ट कर देगी, जैसे हमें क्लच गियर से हमें यहाँ पे मेन शाफ्ट पे हमको प्राप्त हो रही है पावर, ठीक है। तो उस टॉर्क पावर को जैसे हम गियर डालेंगे वो हमारी, जैसे मान लो पहिए के लिए हमारी यहाँ से गई हुई है, ठीक, यहाँ से हमारी पावर जा रही है, आउटपुट पावर, या फिर हम इसे आउटपुट शाफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनपुट शाफ्ट जहाँ से हमें क्लच गियर से जो पावर प्राप्त हो रही है, आउटपुट शाफ्ट जो हम पहिए के लिए भेज रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें जैसे ही हमें यहाँ पे पावर मिलती है तो हम इसमें देखो छोटे बड़े गियर लगे हुए हैं, ठीक है। तो गियर रेशियो के अनुसार हम पहला गियर डालेंगे तो गाड़ी हमारी धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। तो ये गियर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या है, जो गियर डालने का फंक्शन है ये हमारी डॉग क्लच इसमें लगी हुई है, जो गियर को ऊपर नीचे असेंबल या डिसेंबल करते हुए, ठीक। उसके बाद जब हम यहाँ पे गियरिंग, इसे हम गियर बॉक्स बोलते हैं, इसमें ये गियर लगा हुआ है ना, ठीक, यहाँ से हमें आउटपुट पावर मिल जाती है, आउटपुट पावर हम भेज देते हैं पीछे वाले पहिए के चैन के थ्रू, ठीक है। इससे हम इस तरीके से हमारा इंजन काम करता है, और इसी के साथ इसमें एक ये डायनमो लगा रहता है, ठीक है। डायनमो में क्या है, देखो इसमें बाइंडिंग वगैरह लगा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप रहता है, ठीक, जिसके कारण हमारी जो EMF इंड्यूस्ड होता है, और EMF जब हमारा इससे मिलेगा तो वैसे ही हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगी, ठीक। तो इतना सारा था, कर दो।